हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे कुकिंग ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो रेड सॉस पास्ता है। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम 2 से 3 गिलास पानी हम उबलने दे देंगे। ये जब अच्छे तरह गर्म हो जाए तो हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं और फिर पास्ता ऐड करेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून ऑयल भी ऐड करेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तली में चिपक जाएगा। इसको हम आराम से पकने देंगे। मीडियम फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। और ये पक चुका है। इसको पकाने में मुझे 6 से 7 मिनट लगे हैं। अब हम इसको एक चलनी की सहायता से पानी को अलग कर देंगे और ये पानी को फेंकेंगे नहीं, इसको आगे काम देगा ये पानी। अब हम एक पैन गरम किए हैं, उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड किए हैं और बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर रहे हैं। इसको हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे फ्राई करेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है और ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है। इसको ढक देते हैं। इसे आप ऑयल या बटर में भी बना सकते हैं। ये सॉफ्ट हो रहा है। अब हम इसमें ऑरेगानो डालेंगे जो 1/2 टेबल स्पून है, चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसमें पास्ता सॉस ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम जो पानी बचा हुआ था हम उसे ऐड कर रहे हैं इसमें। ये पानी गर्म भी है, इसे मिक्स कर देते हैं और 1 कटोरी पानी और ऐड कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें उबला हुआ पास्ता ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से चीज़ की स्लाइसेस रख देते हैं। इसको ढक देते हैं स्लो फ्लेम करके। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। इस तरह से ये बन चुका है। अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आप घर में बहुत ही अच्छा पास्ता बना सकते हैं। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।